Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the subject of direct tax, and we are going to discuss about the important chapter from your exam point of view, which will be asked for 20 marks in the paper, and that is income from business profession, which is also called as PGBP. So basically अगर हम बिजनेस प्रोफेशन की बात करें तो बिजनेस प्रोफेशन ये आपके पेपर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज इस चैप्टर पे आपको पेपर में 20 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो क्वेश्चंस किस बेस पे होंगे, क्वेश्चंस में आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स पूछेंगे, एज वेल एज क्वेश्चंस में आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, और कुछ ऐसे बेस पे आज हम इसमें रिविजन करेंगे कि सो दैट आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है वो सारे के सारे कन्फ्यूजन्स इस वीडियो के साथ क्लियर हो सके. तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें, एज वेल एज अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ. अगर हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करें तो बिजनेस और प्रोफेशन इसमें दो चीज़ें हैं, वन इज कॉल्ड एज बिजनेस एंड अनदर इज कॉल्ड एज प्रोफेशन. तो बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, बट अगर हम इस चैप्टर की अगर बात करें तो बिजनेस एंड प्रोफेशन ऐसी दो अलग अलग चीज़ें हैं. इफ यू आर इन्वॉल्व इन बिजनेस दैट इंडिकेट्स दैट यू आर इन्वॉल्व इन वन काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ बिजनेस. तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, या फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में डील करते होंगे तो. बट अगर हम किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि देर आर सर्टन प्रोफेशनल्स हु आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, तो जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स है, जैसे लॉयर्स है, जैसे आर्किटेक्ट्स है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऐसे बहुत सारे आप स्पेशलिस्ट के एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं. सो ऑल दोज पर्सन्स हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उनके लिए हम कंसिडर करेंगे प्रोफेशन. तो जो लोग प्रोफेशनल्स है वो लोगों के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बेस पे क्वेश्चन दिया होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो वो लोगों के बेस पे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चंस दिए होंगे. तो अभी हम ये बात करेंगे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो आपको कैसे सॉल्व करना है. तो वेन एवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, तो आपको ध्यान रखना है आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट से शुरू करना है. तो अभी हम फॉर्मेट देखेंगे कि किस बेस पे आपको स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपको पी एंड एल देखना है, फिर ये कुछ फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल सिर्फ फॉर्मेटिंग समझते हैं. लेस डिसअलाउड इनकम्स, तो ऐसे इनकम्स जो बिजनेस के नहीं है, फिर ऐड अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम्स, जो बिल्कुल फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट होता है वो आपको डैश ही मारना है वहाँ पे, और लेस अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंस, जहाँ पे आपके डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कवर होगा. तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट दिया होगा, जो बिल्कुल भी हर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर देखे जाए तो वैसे का वैसा ही फॉर्मेट दिया होता है, तो ट्रेडिंग पी एंड एल अगर आपको दिया है तो यही आपको फॉर्मेट यूज करना है. दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, फिर करना है लेस डिसअलाउड इनकम्स, ऐड अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम्स और लेस अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंसेस. अभी हम बात करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब. तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको दिख रहे हैं. तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही दिखेंगे, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है लेकिन पी एंड एल के डेबिट साइड लिखे हैं, जैसे कि हम अगर बात करें तो यहाँ पे अपने पॉइंट्स कवर होंगे, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू पर्सनल फैक्टर्स सच एज डोनेशंस, चैरिटी, ऐसे जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे कवर होंगे, और वो सारे के सारे पर्सनल एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं थे लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया है, वो सारे के सारे पर्सनल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, और इसका रीज़न ये है कि वो नेट प्रॉफिट कम दिखेगा. नेट प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने पर्सनल एक्सपेंस भी लिखे होंगे, तो वो एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक करेंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट इज लेस डिसअलाउड इनकम्स. तो डिसअलाउड इनकम्स हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में. आपको याद रखना है जीपी को छोड़ के आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिख देने, जो भी अदर सोर्सेस के होंगे सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे. लेकिन दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने जो कभी कभी आपके पेपर में पूछे गए, दैट इज वन इज कमीशन रिसीव्ड एंड द अदर इज डिस्काउंट रिसीव्ड. तो कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर आपके क्वेश्चन में है
तो उसको आपको छोड़ देना है बिकॉज दैट इज अलाउड इनकम, वो बिजनेस का इनकम है। तो अभी हम डिसअलाउड इनकम्स की अगर बात करें तो डिसअलाउड इनकम्स में जैसे आपको क्रेडिट साइड दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन PPF, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, ये तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, तो आपके पेपर में तो 3 से 4 पॉइंट आपको पूछे जाएंगे। गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, गिफ्ट फ्रॉम कलीग्स, गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर, तो बेसिकली ऑल दोज पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू अदर सोर्सेस, वो सारे के सारे पॉइंट आपको डिसअलाउड इनकम्स में माइनस करने हैं। और एक चीज़ याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हम इसमें फॉर्मेट में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे क्रेडिट साइड में GP आता है, अगर GP नहीं दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स दिया होगा तो आपको याद रखना है कि सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक भी हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग द पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, वी आर नॉट कंसिडरिंग द पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू अदर सोर्सेज, वेदर इट इज टैक्सेबल और वेदर इट इज एग्जेम्प्ट। आपको याद रखना है डिसअलाउड इनकम्स में कोई भी चीज़ को आप एग्जेम्प्ट नहीं करोगे, आप सभी चीज़ों को प्लस करके बाहर लिख के ब्रैकेट में उसको माइनस करना है हमें। लेकिन अदर सोर्स जब हम अलग से सॉल्व करने वाले हैं तब अदर सोर्स में आप उसको टैक्सेबल है तो टैक्सेबल करोगे, एग्जेम्प्ट होगा तो एग्जेम्प्ट करोगे। तो यही हमारा डिसअलाउड इनकम्स, और डिसअलाउड इनकम्स में आपको ध्यान में रखना है तो पहले हमने डिस्कस किया एड ऑल डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस वी विल एड बैक, सिमिलरली ऑल दोज इनकम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस वी विल डिडक्ट। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं इसलिए हम उल्टा जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है और इनकम्स को आपको लेस करना है। बट कौन से इनकम्स को लेस करना है? ऐसे इनकम्स जो बिजनेस के नहीं है। तो ऐसे इनकम जो बिजनेस के नहीं है ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। डिसअलाउड इनकम्स मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डिसअलाउड एक्सपेंस मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और डिसअलाउड इनकम मिलेगा P&L क्रेडिट साइड। चलो अगला पॉइंट है आपका अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंस। एक तो फॉर्मेलिटी था वो अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम्स वो डैश मारना है, और अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, लेस करना है। और ये पॉइंट आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट में। अब देखो आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये एडजस्टमेंट में दिया होगा और अकाउंटेंट का डेप्रिसिएशन ऊपर दिया होगा, तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखने का, ऊपर वाले पॉइंट्स को डिसअलाउड करना है, इसको आपको अनरिकॉर्डेड में लिखना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि विच विल बी कंसिडर एज डिसअलाउड एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस सच एज ड्रॉइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशन, और भी कुछ पॉइंट बताता हूँ जैसे एडवांस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये सभी चीज़ें डिसअलाउड होगी। अगर आपको GST पूछा गया तो GST अलाउड है, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सभी टैक्सेस डिसअलाउड है। ड्रॉइंग्स अगर आया तो ड्रॉइंग्स भी डिसअलाउड है। अगर सैलरी ऑफ स्टाफ दिया तो सैलरी ऑफ स्टाफ हो जाएगा अलाउड, बट सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर दिया तो सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर बन जाएगा डिसअलाउड। तो जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, जो पर्सनल चीज़ें होगी सबकी सब डिसअलाउड होगी। अब सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर क्यों डिसअलाउड? बिकॉज ही फाइल्स दी रिटर्न, तो वो अलग से अपना रिटर्न फाइल करता है इसलिए उसको बिजनेस से अलग रखा गया है, और बिजनेस के जो खर्चे हैं उससे उसको एक्सक्लूड किया है। तो आपको क्या याद रखना है, सारे के सारे पर्सनल एक्सपेंसेस उसमें कौन से आएंगे, ड्रॉइंग्स आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आएगा, चैरिटी वगैरह आएगा। फिर ऑल पॉइंट्स अदर सोर्सेज मैंने अभी आपको बताया। बैड डेब्ट्स याद रखना है, बैड डेब्ट्स अलाउड है, RDD आपका डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैरायटी है जो आपके पेपर में आ सकती है, वन दैट इज व्हेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन। देखो अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों वैरायटीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रॉफिट एंड लॉस वाले वैरायटी पे कर सकते हैं जिसमें नेट प्रॉफिट दिया है। अगर आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात करें तो अभी मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो हमने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स या इनकम एंड एक्सपेंडिचर किन के लिए बनता है, ये प्रोफेशनल्स के लिए बनता है। तो वो लोग अपना अलग फॉर्मेट फॉलो करते हैं जो बिल्कुल भी ऑपोजिट है, तो वो फॉर्मेट को और ये फॉर्मेट को आप मिक्स ना करें बिकॉज ये फॉर्मेट पूरा उल्टा है। इसमें आपको करना है सारे बिजनेस के इनकम लेने हैं और सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को माइनस करना है, आपका फॉर्मेट हो जाएगा। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज PGBP जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी ऑप्शंस में ना रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।